तो जैसा कि आप सबको पता है मैं गोवा जाने वाली, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम गोवा जा रही हूँ। मैंने बहुत बार प्लान किया लेकिन मेरा प्लान हर बार कैंसिल हो जाता था, तो मैंने सोचा चलो इस बार तो मैं चलूंगी ही चलूंगी गोवा। तो मैंने चलिए गोवा की पैकिंग करते हैं मेरे साथ, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं कि मैं गोवा की पैकिंग अपनी करती हूँ और मैं क्या क्या लेके जा रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले छोटी सी निवेदन है, प्लीज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में दिए गए बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिएगा। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको गोवा की पैकिंग अपनी। तो सबसे पहले मैंने मीशो से ये खरीदा है, इस पर सेविंग के लिए आजकल आप देख रहे होंगे आती है, तो मैंने सोचा चलो हम भी चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारे यूजफुल है या ऐसे ही दिखाता है इस पर सेविंग या वेस्ट है क्या है। तो ये इसमें 6 पीस मिले हैं मुझे, अब तो हम पैकिंग करेंगे तब पता चलेगा हमारे यूजफुल है या इसको गया। तो कुछ इस तरीके का है ये, इसमें मुझे 6 पीस मिले हैं। ये देखिए इसमें इस तरीके के पाउचेस मिले हैं, 3 अलग अलग साइजेस के, आपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो भी चीजें आपकी रख सकते हैं। एंड इस तरीके के 3 पैकेट्स मिले हैं, मुझे लगता नहीं कि मेरे ड्रेसेस इसके अंदर आएंगे क्योंकि थोड़े ड्रेसेस मेरे ज्यादा है और ये पैकेट्स बहुत छोटे। लेट्स चेक कुछ इस तरीके का है, चलो चेक करते हैं आते कि नहीं। ये सब आप देख रहे हैं मेरे कपड़े हैं, मैं आपको दिखाती हूँ इसमें से। देखिए ये सब ड्रेसेस हैं, 1-2 शॉर्ट ड्रेसेस हैं, इसके बाद मैं आपको और दिखाती हूँ, ये 1 है लॉन्ग ड्रेस, 3 एंड उसके बाद क्वाड सेट हैं। देखिए एक ये क्वाड सेट है मेरा एंड एक और है स्कर्ट एंड टॉप का सेट एंड एक और ड्रेस है, ये बॉडीकॉन ड्रेस है और 1 मोर बॉडीकॉन ड्रेस एंड एक है ये स्कर्ट एंड टॉप एंड 1 मोर स्कर्ट एंड टॉप एंड एक आपको देखिएगा ये मेरा कॉस्ट्यूम है, स्विमिंग कॉस्ट्यूम। इसके बाद जैसा कि आपको पता है गोवा में कितनी गर्मी होती, तो मैंने एज अ श्रग यूज़ करने के लिए ओवरसाइज शर्ट रखी है एक, और एक और है मेरा ये क्वाड सेट एंड एक और क्वाड सेट है, इसमें 3 पीस है। इसका थोड़ा सा डाउट है मैं पहनूंगी कि नहीं, लेकिन फॉर प्रिकॉशन मैं रख लेती हूँ। और उसके इस तरीके के देखिए मैंने शॉर्ट्स रखी हैं ड्रेसेस के नीचे पहनने के लिए, एक्स्ट्रा टॉप भी रख ली है क्योंकि वो पता ब्लैक किसी की ड्रेस के साथ चली जाती है, कभी कभी ऐसा होता ना कोई भी मैच नहीं करते तो उसके अंदर पहनने के लिए हो जाएगा। उसके बाद मेरी एक ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम है और एक ये है, 2 स्विमिंग कॉस्ट्यूम है मेरे। साइज यही है पैकेट की, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मेरी ड्रेसेस इसके अंदर आने वाली है, मैं बहुत ज़्यादा फोल्ड करके नहीं रखूँगी क्योंकि गर्मी है, तो मेरी बहुत सारी ड्रेसेस कॉटन में है तो वो ज़्यादा ही कुछ सिलवट आ जाएगी तो वहाँ पे आयरन वगैरह करना मुश्किल होगा। तो आई थिंक मुझे ऐसे ही पैकेट्स के साथ अपने सूट केस में रखना पड़ेगा। इसको मैंने मंगाया लेकिन नॉट यूजफुल फॉर मी। ये शॉर्ट्स है और एक ये 2 शॉर्ट्स हैं सिंपल ब्लू। कुछ इनर वियर्स रख रही हूँ, जैसा कि मैंने बताया इसमें 4-5 शॉर्ट्स हैं, पैंटीज एंड ब्रा वगैरह हैं। तो फुटवेयर में मैं एक ये शूज़ रख रही हूँ और उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि गोवा में हमको बीच वगैरह पे जाना पड़ेगा तो एक ये रख रही हूँ, इट्स फ्रॉम जूडियो, आजकल बहुत ऐसे इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, तो एक ये 2 और एक मैं नॉर्मल स्लीपर रख रही हूँ इस तरीके से, ये इट्स फ्रॉम वेस्ट साइड। एंड आप जैसा कि पार्टीज वगैरह में तो जाएंगे गोवा में और मेरी एनिवर्सरी भी है तो उसके लिए मैंने ये हील्स रखे हैं, एक ये एंड एक ये, तो टोटल मेरे 5 पेयर्स हैं। आप सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ओकेजन के अकॉर्डिंग क्या करूँ, मेरी एनिवर्सरी है थोड़े से मुझे ज़्यादा ही रखने पड़ेंगे। मैं एक ये रख रही हूँ, इट्स फ्रॉम H&M, एक ये है एंड 1 फॉर पार्टी पर्पस, 2 एंड 3, टोटल 3 है तो उसमें से एक मैं कैरी करूँगी, 2 मैं रखूँगी, और एक ये है आई थिंक आपको दिख रहा होगा, तो टोटल मैं 3 रख रही हूँ। इन तीनों को रखने का पर्पज़ ये है कि इसको आप जैसे कि जस्ट एग्जांपल ये है तो इसको आप बेल्ट के साथ भी यूज़ कर सकते, बिना बेल्ट के साथ भी यूज़ कर सकते, तो मेरा 2-in-1 वाला काम चलेगा तो इसलिए मैं इसको रख रही हूँ। बाद ये कुछ सनग्लासेस हैं, फॉर प्रिकॉशन पर्पज़ मैंने ये निपल्स कवर्स लिए हैं, जैसे आपको पता है कि काफ़ी यूज़फुल होता है ये, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैंने लिया है तो बस प्रिकॉशन पर्पज़ से रख ले। वो भी मेरी देखिए इस तरीके से पैकिंग्स हो गई है,
काफ़ी प्रॉपर तरीके से अरेंज किया है। अब आप सोच रहे होंगे पैकेट्स में क्या मैंने क्यों रखा है। पैकेट्स में रखने का पर्पज़ ये है कि कॉटन ड्रेसेस है ना, तो मेरी वो ख़राब नहीं होंगी, इसलिए मैंने पैकेट्स के अंदर रखा है। और स्पेस है क्योंकि हम दो सूटकेस लेके जा रहे हैं, हम तीन लोग हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये सही रहेगा। तो इसमें सेपरेटली मेरा ही सामान है, तो इसमें अभी बहुत स्पेस बचा हुआ है मेरे सामान रखने के लिए। देखिए अभी थोड़ा यहाँ मेकअप पाउच वगैरह रख दूँगी, तो आराम से यहाँ पर स्पेस हो जाएगी मेरी। कुछ देखिए इसमें मेकअप के सामान हैं एंड स्किन केयर की जो भी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें कुछ मेरी इसमें थोड़ी सी ज्वेलरी भी है, और एक और पाउच में ज्वेलरी एंड हेयर एसेसरीज वगैरह मैंने रख ली हैं ये सब। तो इस तरीके से मेरे दो पाउच यहाँ पे रेडी हो गए हैं। काफ़ी अच्छा होता है इस तरीके का पाउच। बाद मैंने, जैसा कि पता है गोवा में बहुत गर्मी होगी, तो मैंने एक कैप भी रख ली है, मे बी ज़रूरत पड़े। और आप पता है हम सभी यूट्यूबर्स के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है, तो एक मैंने ट्राईपॉड रखा है, सेल्फी स्टिक कम ट्राईपॉड है ये।